रेशनलाइजेशन करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेंगी जिनकी वजह से जिनकी मदद से हम रेशनलाइजेशन को सोल्व कर सकते हैं। पहला, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये बहुत यूज होता है ये वाला फॉर्मूला। रूट थ्री, रूट में जो वैल्यू होगी अगर उसी वैल्यू से रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बिना रूट की वही वैल्यू मिलेगी। पांचवा, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे वन होता है, तो ये हो जाएगा टू रूट एक्स। इन चीज़ों की मदद से हम रेशनलाइजेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं रेशनलाइजेशन का, थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन में थ्री प्लस रूट थ्री। रेशनलाइजेशन का हमें एक रूल याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, जो हर क्वेश्चन में लगेगा, जो भी वैल्यू डेनोमिनेटर में होगी उसका साइन चेंज करके न्यूमिनेटर के मल्टीप्लाई में और डेनोमिनेटर के मल्टीप्लाई में लिखना है, ये हर क्वेश्चन में करना है। अब सॉल्व करते हैं इसे, ये दो बार है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी जिसका फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। हमें माइनस साइन के साथ नहीं लेना है, ये फॉर्मूला बस ऐसे लगाना है, थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस, मैंने बताया था रूट थ्री को मल्टीप्लाई की जो वैल्यू होती है वो वैसी की वैसी आ जाती है, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस थ्री माइनस सिक्स रूट थ्री, टू थ्री या सिक्स, सिक्स रूट थ्री अपॉन में सिक्स, नौ और तीन बारह माइनस सिक्स रूट थ्री अपॉन में सिक्स। जैसा कि मुझे इसमें से सिक्स कॉमन आ रहा है, यानी अगर मैं सिक्स बाहर निकालूंगा तो अंदर बचेगा टू, सिक्स टू या ट्वेल्व, यहाँ पर यानी हमने सही कॉमन निकाला, यहाँ पे सिर्फ रूट थ्री बचेगा अपॉन में सिक्स, सिक्स से सिक्स कैंसल, टू माइनस रूट थ्री इसका आंसर है।